पटक मिला है, पत्नी का पात्र मिला है, अब पत्नी बन के पति को साथ। आपको बेटी का पात्र मिला, बेटी बन के पति पिता को साथ। आपको बेटे का पात्र मिला, बेटा बनकर माँ बाप की सेवा। तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चे करेंगे, तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान का नियम है साहब। कर्म प्रधान विश्व कानून बनाया है साहब। आप आपके खेत में गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही उगेगा, मकाई नहीं। मकाई बोओगे तो मकाई बाहर आएगा, चना नहीं। इस तरह भगवान कहते इदम शरीरम क्षेत्रम विदते। हे अर्जुन, ये शरीर भी खेत है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा करेगा वैसा पाएगा, तेरा किया हुआ आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई सुख दुख है क्या किया हुआ तो आगे आएगा, जैसा करेगा वही पाएगा, जो भी बोएगा वही होएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी करनी। भाई जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी। इसलिए बेटियों को बहुत पढ़ाओ साहब। कल वो साहब आया था, मुझे अच्छी बात लगी। सब बात तो सब बोलते हैं ठीक है, पर बेटी के बारे में अच्छा बोला। बेटी से ही संसार चलता है साहब, बेटों से नहीं चलता है। बेटे तो दो तीन पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं, बेटियों से संसार चलते हैं। देखिए मेरे गुजरात में सिद्धपुर गांव है, और ये मनु महाराज की पुत्री देहूति नव नव कन्या हुई, कोई दुख नहीं लगा। जो बेटियों से प्यार करता उसके घर भगवान पुत्र बनते हैं, देवता पुत्र बनते हैं, ऐसे संत लोग आते हैं। इसलिए तुम्हारे घर में बेटी हो उसको बहुत प्यार करो, पढ़ाओ लिखाओ, और दहेज मांगता उसे शादी मत कराओ। कन्या का दान होता है साहब, कन्या दान की जाती है, दहेज नहीं। कन्या कोई पुतली नहीं है, कन्या बेची नहीं जाती, कन्या का पैसा भी नहीं खाया जाता है। किसी की बहन बेटी आपके घर में बहू आई, किसी की कन्या है, उसका धन तुम खाओगे, तीसरी पीढ़ी खत्म, क्या करोगे। और जब तक तुमने उसके दहेज लिए, जब तक वो रुपया तुम्हारे घर में है, तब तक तुम्हें शांति नहीं होने देगा, क्योंकि ईश्वर के घर में न्याय है, उसके घर में देर नहीं है। इसलिए मानव बनकर आए, मानव के लिए कथा, इस कथा का नाम है रामचरित मानस। हे मानव, ये कथा को सुनकर अपने जीवन को बदलना, किसी को दुख नहीं देना। किसी के घर तुम्हारी बेटी जाएगी, उसको कोई दुख देगा, तकलीफ देगा, आपको भी तकलीफ होती है। इस तरह किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आई, उसको सताना नहीं।
क्योंकि भगवान के सब बनाए हुए खिलौने हैं साहब, जिसको तुम जिंदा नहीं रख सकते उसको मारने का अधिकार नहीं, जिसको तुम खिला नहीं सकते उसको लेने का अधिकार नहीं, जिसको तुम हंसा नहीं सकते उसको रुलाने का अधिकार नहीं, जिसको तुम दे नहीं सकते उसको लेने का अधिकार नहीं, जिसकी तुम अच्छी बात नहीं कर सकते हो तो बुराई करने का भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है साहब। आज एक बाप अपनी बेटी को कहते हैं, हे ईश्वर मुझे जन्म जन्म बेटी देना, बेटा नहीं। क्योंकि जनक कहता मेरे भाई के जितने बच्चे थे सब घर कर सब चले गए, इसलिए बेटी वाला बाप धनवान है। ये दुनिया में भारत में पहले तीन कथा थी, धनवान बोलते जिसके घर में बेटी है वो बेटी वाला धनवान, जिसके घर में गाय है गाय वाला धनवान, और जिसके घर में संस्कार है वो लक्ष्मीवान धनवान होता था। रुपया वाला धनवान नहीं होता साहब, लक्ष्मी सबके घर में नहीं होती है। जो लोग धार्मिक होते हैं उसके घर में ही लक्ष्मी होती है साहब। इसलिए एक बाप अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी अपने पति की सेवा करना, सेवा माने उसको कहे ऐसा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना। जाओ बेटी हमने तुम्हें पाला पोसा संस्कार दिया है, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर वो है जहां तुम जा रहे हो। माँ बाप बच्ची से बचपन से ऐसा डरा देते हैं कि तुम पराये घर में जाने वाली हो, पराये घर में नहीं नहीं ऐसा मत बोलो साहब, पराया घर तो वो अपने बाप का घर है, वो पराया है, अपना घर तो वो है जहां वो मरती है, जहां नाम बदल जाता है। जब बाप के घर में होती तो बेटी का बाप के साथ नाम जुड़ता है, जब बेटी पराये घर में जाती शादी हो जाती है बाप का नाम कट जाता है और पति का नाम जलता है। इसलिए स्कूल में बच्चों के पीछे पिता का नाम लगाते, क्यों माँ का क्यों नहीं लगता भाई, माँ इसलिए नहीं लगता है बेटा खराब है तो बाप का नाम बदनाम, अपने क्या लेना देना, ऐसा नहीं है सर। भगवान से प्रार्थना करो कि किसी की बहन बेटी को तकलीफ ना हो। बाप जनक महाराज आपको पूछो साहब, आया अकेला जाना अकेला, आया अकेला जाना अकेला, साथ कौन तेरे चलेगा। I'm not afraid.
जा भैया ओ खाली हाथ तू आया दुनिया में खाली हाथ तू आया दुनिया में क्या लेकर तू आया था जग में क्या लेकर तू आया था जग में क्या लेकर तू जाएगा गुणगान गाओ साहब और कुछ नहीं आएगा धन दौलत माल खजाना सब यहाँ रह जाएगा मरने के बाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम चलता है अच्छा और बुरा पाप और पुण्य आपके साथ चलेगा कोई नहीं आएगा माता पिता कुटुंब कबीला धन दौलत माल खजाना ये सब यहीं धरा रह जाएगा जन्म में